hi guys a warm welcome to all of you in today's session and you have got the message from the thumbnail you've got the information from the thumbnail that today we are going to discuss the session number 15 of costing in our 21 days challenge which is going on for all the three subject advanced account costing and FMSM so if you are new to the channel please subscribe the channel and press the bell icon like the video and join the telegram channel because those notes which we are going to use in this sessions are shared before each session on a telegram channel and needless to say these are these are going to be very very important sessions and going to help you in the upcoming examination agar baat karte hain putra puchh rahe hain sir ne aaj badi sari english bol di koi na yaar wapis aa jande apaa haan ji session number 15 hai gaye last session de vich apaa standard costing de session number 1 di gal kiti si te aaj apaa gal karni hai session number 2 di

फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और सेकंड क्वेश्चन जो है ये मिक्स है जिसमें मटेरियल लेबर वेरिएबल और फिक्स सब कुछ पूछता है प्रश्न सबसे पहले प्रश्न नंबर वन की तरफ जो है रुक करते हैं कॉस्ट डिटेल ऑफ जे एंड जी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज एज फॉलोस तो किसी एक कंपनी का डाटा दिया गया है बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन कहता है जी फिक्स्ड ओवरहेड सोचा था पंद्रह लाख होंगे लेकिन एक्चुअल हो गए पंद्रह लाख साठ हजार फिक्स ओवरहेड आपको याद मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर करने का हमारा तरीका टीआरजी का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है हम इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाकर पढ़ते हैं और हमने अपनी एक मॉडल्स अप्रोच बनाई हुई है तो मॉडल्स अप्रोच के अकॉर्डिंगली मटेरियल में चार स्टेप थे फिक्स में होते हैं लेबर में पांच स्टेप थे और फिक्स ओवरहेड में भी पांच स्टेप होते हैं जिसमें पहला स्टेप होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड तो ये एफ दे दिया बेसिकली और एफ होता है आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड फिर बता रहे जी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बजटेड यूनिट से पचहत्तर सौ एक्चुअल सेवेंटी एट हंड्रेड स्टैंडर्ड टाइम फॉर वन यूनिट एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो दो घंटे है और आपके एक्चुअल सोलह हजार आवर्स के बेस पे आपका निकलता है एफ ओ फोर यूनिट्स के हिसाब से निकलता है आपका सॉरी यूनिट्स के हिसाब से निकलता है एफ ओ फाइव और अगर डेज हो तो डेज के बेस पे निकलता है एफ ओ थ्री लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि डेज का डाटा नहीं है तो एफ ओ थ्री नहीं निकलेगा और हमारी मॉडल्स अप्रोच में अगर कोई पर्टिकुलर स्टेप एप्लीकेबल ना हो तो इमीजिएट जो पिछला स्टेप है उसकी वैल्यू ले आते हैं तो अगर एफ थ्री एप्लीकेबल नहीं आप एफ टू की वैल्यू एफ ओ थ्री में कॉपी कर देंगे हमारे मॉडल अप्रोच के कुछ रूल्स होते हैं क्वेश्चन कहता जी कैलकुलेट द फिक्स ओवर कॉस्ट वेरियंस एक्सपेंडिचर वॉल्यूम वेरियंस देन एफिशियंसी एंड देन कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट सारी वेरियंस उसने पूछ ली है आपसे एक्सेप्ट द कैलेंडर वेरियंस क्योंकि डेज का डाटा नहीं है हम एक एक करते हुए बढ़ते हैं आगे तो सारे स्टेप्स हमें करने इसमें सबसे पहला स्टेप आता है जी एफ ओ वन एफ ओ वन क्या होता है एक्चुअल फिक्स ओवर जो कि क्वेश्चन में गिवन था फिफ्टीन लैक् सिक्सटी थाउजेंड यही था फिफ्टी लैख सिक्सटी की फोर्टीन सिक्सटी था फिफ्टीन सिक्सटी ठीक है और एफ ओ टू क्या होता है जी बजटेड फिक्स ओवर रेड एफ ओ टू होता है बजटेड फिक्स ओवर जो कि है पंद्रह लाख रुपये एफ ओ थ्री क्या होता है डेज के बेस पे कि अगर इतने दिन हमने काम किया मल्टीप्लाई कर दो एक दिन का स्टैंडर्ड क्या होता लेकिन क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हमने क्या बोला नॉट एप्लीकेबल है तो आप इसमें जो पिछला स्टेप है ना बेटा उसी की वैल्यू कॉपी कर देते हैं जो कि आ गई पंद्रह लाख रुपए सिमिलरली आता है सिर्फ डेज की जगह क्या हो जाएगा आर्ट तो फॉर्मूला है एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स पर क्वेश्चन ने आपको बताया आपके एक्चुअल कितने सोलह हजार स्टैंडर्ड फिक्स ओवर पर आर दिया नहीं लेकिन हम निकाल सकते हैं बड़ा ही आसान फॉर्मूला क्या कहोगे

बजटेड यूनिट्स कितने सोचा था बनाने के लिए पचहत्तर सो तो पचहत्तर सो गुना दो कर दो तो तो टोटल घंटे आपने कितने लगाने का सोचा था फिफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड आर्स आपके हो गए जी

यू कैन डू द कंप्यूटेशन ऑफ बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय पुत्र बजटेड आउटपुट तो ऐसा करते हुए एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा कितना है वो निकल जाएगा आपका बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है पंद्रह लाख और बजटेड आउटपुट कितना है क्वेश्चन ने बताया सेवन हंड्रेड तो दो सौ रुपया पर यूनिट आ जाता है मल्टीप्लाई तो का वैल्यू आ गया सभी स्टेप्स का वैल्यू आ गया थ्री फोर और फाइव का इसके बाद क्वेश्चन ने जो पूछे वेरियां हम निकाल सकते हैं सबसे पहले उसने पूछा फिक्स कॉस्ट वेरियंस फिक्स ओवर का कॉस्ट जो टॉप का स्टेप है वो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट से मिलकर बनता है तो एफ ओ फाइव माइनस एफ ओ वन करेंगे आप ये आंसर आ गया नील यानी कि कोई भी वेरियंस नहीं है फिक्स ओवरहेड में उसकी डिटेल में जाते हैं तो इसके दो पोर्शन बनते हैं एक्सपेंडिचर होता है, है और वॉल्यूम है, तो आपने एडवर्स आया साठ हजार फेवरेबल अगर आप इन दोनों को एड कर देते हैं साठ हजार एडवर्स साठ हजार तो वो इससे आपका मैच कर गया वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर तीन भाग होते हैं जी कैलेंडर कैपेसिटी और एफिशिएंसी कैलेंडर आपका होता है

स्टैंडर्ड डाटा दे रहे मटेरियल दस किलो सोचा था स्टैंडर्ड और नाइनटी रुपये पर केजी के के हिसाब से मिलेगा तो एक यूनिट के लिए इतना हो गया लेबर की बात करें आठ घंटे एक यूनिट को बनाने में लगेंगे सौ रुपए पर आर वेरिएबल ओवर एक यूनिट के लिए आठ घंटे पंद्रह रुपए पर आर और फिक्स ओवर एक यूनिट के लिए चार सौ तो आपका ट्रिपल टू जीरो स्टैंडर्ड कॉस्ट आया प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने का क्वेश्चन कहता है जी जो बजट आउटपुट फॉर द ईयर था वो दो यूनिट था जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो अठारह यूनिट है अब आप ये मानकर चलो आपका सभी का ना लास्ट स्टेप रेडी हो गया मैंने क्या सिखाया हुआ लास्ट स्टेप इज द आउटपुट बेस हम क्या करते हैं लास्ट स्टेप में एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं मटीरियल में एम है आप एक्चुअल आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो एक यूनिट को बनाने का ये राजी स्टैंडर्ड कॉस्ट तो एम फोर आ जाएगा 1800 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 से 800 को मल्टीप्लाई करोगे तो एल फाइव आ गया 1800 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो वीओ थ्री आ गया में तीन स्टेप और को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे साल की जो एक्चुअल में इतने किलो लगे इस रेट पर लेबर के इतने आर्स लगे इस रेट पर वेरिएबल ओवरहेड इतने और फिक्स इतने तो सबका एक्चुअल मतलब है सबका उसने आपको फर्स्ट स्टेप दे दिया एम वन एल वन वीओ वन और एफ ओ वन क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग मटेरियल के लिए तीन वेरियंस यूसेज प्राइस और कॉस्ट जिसके लिए हमें M1, M2 और M4 चाहिए होता है अगर आप वैसे भी देखोगे एम थ्री तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि एम थ्री के लिए इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन वन मटेरियल फिर लेबर में पूछ रहे हमें एल वन एल टू और एल फाइव चाहिए होंगे सिर्फ वेरिएबल ओवर का सिर्फ पूछ रहा है कॉस्ट वेरियंस मतलब टॉप का वेरियंस जो पहले और लास्ट स्टेप से बनता है वीओ थ्री माइनस वन एंड फिक्स ओवर में सिर्फ टॉप का वेरियंस पूछ रहा है यानी कि एफ ओ फाइव माइनस एफ ओ वन तो इनके सिर्फ हमें दो दो स्टेप ही चाहिए वेरिएबल और फिक्स ओवर के तो आराम से स्टार्ट करते हैं अंतर आंसर अपना सबसे पहले है जी हमारे सामने मटेरियल वेरिएंसेस के स्टेप M1 का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि क्वेश्चन में गिवन है M2 में क्या फॉर्मूला लगता है एक्चुअल क्वांटिटी होती है लेकिन रेट होता है स्टैंडर्ड जो कि नब्बे रुपए पर केजी तो सोलह लाख दो हजार आ गया एम फोर होता है एक्चुअल आउटपुट जो कि अठारह है और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विच इज गज नाइन हंड्रेड तो ये आगे जी सोलह लाख बीस सबसे पहले हम क्या करें सारे स्टेप्स कर रहे हैं और फिर वेरियसिस तो मैं आपको वेरियंस साथ साथ दिखाता जाता हूँ मेटीरियल हो गया तो मेटेरियल के वेरियंस देख लेते हैं मटीरियल में उसने पूछा यूसेज वेरियंस एम फोर माइनस एम होता है जी अठारह फेवरेबल आ रहे है?

L5 होता है आउटपुट बेस तो एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लेबर कर, तो कितने 800? और लेबर आउटपुट और पहले वाले टेबल में आपको दी गई थी कि एक यूनिट को बनाने के लिए आठ सौ रुपए का आपका लेबर का खर्चा लग रहा है तो ये आ फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड क्वेश्चन ने आपसे तीन वेरियंस पूछी सबसे पहले पूछा उसने आपसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विच इज एल फाइव माइनस एल टू ये आगे चालीस हजार फेवरेबल लेबर रेट वेरियंस एल टू माइनस एलवन पूछा लैक माइनस थाउजेंड फिफ्टी सिक्स एडवर्स और लेबर कॉस्ट वेरियंस विच इज द टॉप वेरियंस जो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप से मिलकर बनती है एल फाइव माइनस एलवन फोर्टीन फोर्टी माइनस फोर्टीन फिफ्टी सिक्स है आपका सोलह हजार एडवर्स तो लेबर के भी तीनों स्टेप्स हो गए और वेरिएंसेस भी निकाल ली फिर आता है जी नेक्स्ट, की ने की सिर्फ कॉस्ट यू नीड वीओ एंड एंड थ्री क्या होता है क्वेश्चन ने आपको खुद ही बताया 217500 और वेरिएबल का जो लास्ट स्टेप आउटपुट बेस एक्चुअल 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड खर्चा जो कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले टेबल में दिया है ऊपर वाले टेबल में ये आ दो लाख 216000 हजार इसके बेस पर आप देख लेंगे वेरिएबल ओवरहेड की मतलब सीवी मतलब वेरियबल ओवरियंस VO3 minus VO1 आप करेंगे जब तो आंसर आ गया जी पंद्रह सो एडवर्स लास्ट में आपको करना है फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सिर्फ का के के लिए आपको सिर्फ पहला और लास्ट स्टेप चाहिए मींस एफ वन एंड एफओ वन क्या होता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड सो वी सी ओवर एफओ वन क्या होता है क्वेश्चन में आपको गिवन है सेवन लैक सिक्स थाउजेंड वही दूसरा स्टेप क्या चाहिए एफ ओ फाइव एफओ फाइव हमेशा आउटपुट लास्ट स्टेप है एक्चुअल आउटपुट जो कि अठारह सो मल्टी स्टैंडर्ड फिक्स पर यूनिट यूनिट ऑफ ऑफ आउटपुट आउटपुट कि एक को बनाने के लिए मेरा स्टैंडर्ड खर्चा चार सौ तो सात लाख बीस हजार अब इसमें आप देखो कहना क्या चाहते हैं हम बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा खर्चा जो एक्चुअल में लग गया 768 लग गया जबकि तुम्हारा खर्चा जो तुमने आउटपुट के हिसाब से लगना चाहिए था सेवन ट्वेंटी तो तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो गया 768. कितना एडवर्स हुआ कितना ज्यादा यही हमारा आंसर आएगा देखिए जी तो फिक्स ओवर एड का 5 का वैल्यू 721 का 768 तो आपका आंसर आ गया जी 48000 एडवर्स तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर बच्चे कहते हैं मुश्किल है मुश्किल नहीं है यू शुड नो द करेक्ट अप्रोच तो मेरे वाली अप्रोच से बच्चे आराम से कराते हैं और हर अटेम्प्ट में जबरदस्त मार्क्स आते हैं 99 98 मल्टीपल टाइम्स ऐसे मार्क्स हुए आ चुके हैं और सोचो कि कई बार बच्चों को ना डाउट रहता है अरे यार इस अप्रोच से करेंगे तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे अरे यार मिल रहे हैं तभी तो बच्चे नाइनटी एट नाइनटी नाइन तक पहुंच रहे हैं अगर नहीं मिलते होते फिर तो सोचो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सीधा इसका गलती हो जाता ठीक है ना तो ये अपनी अप्रोच बड़ी आसान है अगर किसी बच्चे ने हमसे नहीं पढ़ा तो भाई देख लो अगर आप कर सकते हो तो कर लो मेरे मैराथन जो पुरानी कुछ पढ़े हैं यूट्यूब पर लेक्चर वहाँ से हो सकता है आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी जो है मिल जाए चले जी इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा मुलाकात करेंगे पुत्र अगले सेशन में और नए सेशंस के साथ और जो बाकी चैप्टर हैं वो भी हमारे आने वाले सेशंस में होंगे एंड साथ ही साथ अगर आप सिर्फ कॉस्ट के देख रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एफ एम एस एम के सेशन भी साथ साथ देखें और अगर ग्रुप वन पेंडिंग है तो एडवांस अकाउंट के सेशन को भी देखते जाइए और साथ ही अपने जूनियर्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें बिकॉज दीज से मीन अलॉट मीन अलॉट एंड मीन अलॉट बाय